तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो पच्चे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में आप सभी ने देखा था दोस्तों, मुरादनगर से लेकर और मेरठ साउथ तक का व्यू। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों, मेरठ साउथ से लेकर और ब्रह्मापुरी RRTS के स्टेशन तक का व्यू। तो आप बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो दोस्तों। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और ज़्यादा काम करने का भी मन करता है। तो आप इसी वजह से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को। पहले तो प्रतापपुर का RRTS के स्टेशन पड़ेगा, इस पर मेरठ मेट्रो ही दौड़ा करेगी दोस्तों। और आपको बता दूं, ट्रैक की अगर बात करते हैं तो इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लग चुके हैं दोस्तों, साइडों से रेलिंग लगा दी जा चुकी है, अब ट्रैक स्लैब भी बिछाए जा रहे हैं दोस्तों। तो उसका भी आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि देखो, ये स्टेशन है प्रतापपुर का, जो कि इस पर मेरठ मेट्रो ही रुकेगी दोस्तों, इस पर नमो भारत ट्रेन नहीं रुकेगी। तो पिछली बार जब मैंने आप लोगों को दिखाया था तो दोनों साइड के जो स्पैन आई गटर्स हैं वो रखे गए थे, उन पर फ्लोरिंग वर्क नहीं हुआ था, लेकिन अब इसमें फ्लोरिंग वर्क भी हो चुका है दोस्तों और पेंट भी कर दिया जा चुका है स्टेशन को, कॉन्कोच लेवल भी पेंट हो गया है और दोनों साइडों में देख सकते हो एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं, जिसका नीचे का हिस्सा तो बन गया, सीढ़ियाँ भी बन गई हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा बनाया जाएगा। देख सकते हो पिलर के जो सरियाओं का जाल है वो खड़ा कर दिया जा चुका है, अब इसमें कंक्रीट भरा जाएगा, इस पर पिलर ऊपर खड़े किए जाएंगे, फिर इसके ऊपर दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि रूफ टॉप का स्ट्रक्चर लगाया जाएगा दोस्तों, अभी नहीं लगा है। अब चलते हैं दूसरी साइड का भी आप लोगों को दिखाएंगे चल के। तो देख सकते हो सारा काम मतलब कि हो चुका है, आप लोगों को बता दूं कि इसमें से 80% काम हो चुका है, 20% अभी बाकी बचा हुआ है जितने भी स्टेशन हैं। तो उस साइड में भी देखो बनाया जा रहा है, तो उस साइड का भी दिखाऊंगा, पहले आप इस साइड का देख लो और इसी में पार्किंग है। तो मतलब कि और आप लोगों को बता दूं कि प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों इसमें जो रूफ टॉप का स्ट्रक्चर है वो लगाया जा रहा है, फिर उस पर उसके बाद में रूफ टॉप लगा दिया जाएगा दोस्तों। और दूसरी साइड में देखो ये बनाया जा रहा है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट को बनाया जा रहा है। एक साइड का बन चुका है, दूसरी साइड का फाउंडेशन बनाने के बाद में, पिलर खड़े कर देने के बाद में अब शटरिंग लगाई जा रही है दोस्तों, जो कि सीढ़ियाँ बनेंगी उसके लिए अब शटरिंग लगा रहे हैं। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है प्रतापपुर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, जो कि मेरठ मेट्रो के लिए ही बनाया जा रहा है ये स्टेशन दोस्तों। आगे भी दो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा प्रतापपुर, फिर उसके बाद में रिठानी का स्टेशन आएगा, उसके बाद में फिर शताब्दी नगर का स्टेशन आएगा, एंड में जाके आएगा दोस्तों ब्रह्मापुरी RRTS का स्टेशन, उस पर भी मेरठ मेट्रो ही रुका करेगी दोस्तों। आप लोगों को बता दूं क्या मेरठ साउथ स्टेशन से लेकर और मोदीपुरम तक दोस्तों, क्या इस पर मेरठ मेट्रो ही दौड़ेगी दोस्तों? तो इस पर मतलब कि एक ही लाइन पे दो ट्रेनें चलेंगी दोस्तों, एक तो नमो भारत ट्रेन चलेगी, दूसरी इस पर मेरठ मेट्रो भी चलेगी। मतलब कि ट्रेनें दोनों सेम ही हैं, एक जैसी ही देखने में लगती हैं, लेकिन जो मेरठ मेट्रो वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वो आप लोगों को बता दो 50-60 की स्पीड में दौड़ेगी और नमो भारत ट्रेन दोस्तों 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी दोस्तों। तो देख सकते हो ये भी बनाया जा रहा है, देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर ये एंटी एग्जिट पॉइंट को बनाया जा रहा है। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं चल के आप सभी को कि आगे क्या नज़ारा। अभी तो मैंने ये आगे से दिखाया था आप सभी को, अब ये पीछे का नज़ारा है। तो देख सकते हो ये एक साइड का तो बन चुका है, दूसरी साइड का बनाया जाएगा, और देख सकते हो ये ट्रैक स्लैब रखे हुए हैं जो कि ऊपर बिछाए जा रहे हैं ट्रैक के ऊपर दोस्तों। पहले ट्रैक स्लैब बिछाए जाएंगे, फिर उसके बाद में ट्रैक बिछाया जाएगा। तो चलते हैं और दिखाते चल के आप सभी को आगे दोस्तों। अभी आप लोगों को बता दूँ इलेक्ट्रिसिटी के खंभे नहीं लगे हैं इस साइड में, उधर ही लगे थे दोस्तों, प्रतापपुर तक लग चुके हैं।
दोस्तों ये आ चुका है रिठानी RRTS के स्टेशन, जिसपे की मेरठ मेट्रो ही रुका करेगी दोस्तों। और आप लोग बता दो कि जितने भी पिलर थे इन पे पेंट करने का काम किया जा रहा है, रोड को भी बना दिया जा चुका है दोस्तों, और जो बीच का मीडियन है देखो उस पे भी डेंट पेंट कर दिया इन्होंने। तो देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर पेंट किया गया है दोस्तों। और आप लोगों को बता दूँ इसमें एक साइड का एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, दूसरी साइड का अभी नहीं बनाया जा रहा क्योंकि इधर अभी जगह नहीं मिली है दोस्तों। तो इसी वजह से आप लोगों को बता दूँ कौन कौन से लेवल बनकर कंप्लीट हो चुका है, बनकर प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है ये रिठानी RRTS का स्टेशन। और दूसरी साइड का देखो आप लोगों को बता दूँ कि ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बन के कम्प्लीट होने वाला है दोस्तों। देख सकते हो ये तो बन ही चुका है ऐसे समझ लो। तो यही बचा है एक साइड, दूसरी साइड का बचा हुआ एक साइड का तो देखो बन के कम्प्लीट हो गया। और आप लोगों को बता दूं कि इस पर फ्लोर वर्क भी किया जा रहा है, फ्लोर वर्क हो जाने के बाद में देखो सेटरिंग लगी हुई है, देखो वो सीढ़ियों के जो साइड में है ना वो बनाया जा रहा है। तो देखो सेटरिंग लगी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है दोस्तों। देखो आप लोग ऐसे ही वीडियोस में आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। और आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, और नीचे हमें कमेंट करके बताओ। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना भाई, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को प्रतापपुर RRTS के स्टेशन, क्योंकि उसमें नमो भारत ट्रेन यानी कि रैपिड रेल दोस्तों रुका करेगी, तो काफ़ी लंबा चौड़ा वो स्टेशन भी बनाया जा रहा है। तो चलते हैं वहीं पर, दिखाते चल के आप सभी को, तो देखते रहो ऐसे ही वीडियोस KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को। और हम आ चुके हैं देख सकते हो प्रताप शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन पर। आप लोग देख सकते हो जो मेन ट्रैक था वो तो बना दिया जा चुका है, अब जो दूसरा ट्रैक बनाया जा रहा है देखो साइडों में, इस पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है, आई गटर द्वारा इस पर लॉन्च कर दिए जा चुके थे, अब इस पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है दोस्तों। और दोनों साइड के एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं, कॉन्कोर्स लेवल पर पत्थर लगाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म लेवल पर दोस्तों आप लोगों को बता दूँ
के रूफ टॉप का स्ट्रक्चर लगाने का काम चल रहा है इस पर अभी इस टाइम पर दोस्तों। और ये साइड हाउस फ्लोर वर्क किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दूँ कि जो मेरठ मेट्रो है ना उसके लिए ये दोनों ट्रैक हैं दोस्तों साइडों वाले। ये बीच वाला है नमो भारत के लिए यानी कि रैपिड रेल के लिए, और दोनों साइडों से ये बनाए जा रहे हैं ट्रैक दोस्तों मेरठ मेट्रो के लिए। तो देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर भी ये पेंट कर दिया जा चुका है दोस्तों। कौन कौन से लेवल पर भी कर दिया जा चुका है। एक साइड का एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है दोस्तों, दूसरी साइड का बनाया जा रहा है क्योंकि फाउंडेशन पहले ही बन रहा था उस टाइम पर जब मैंने दिखाया था आप लोगों को। अब तो फाउंडेशन बन के इसके पिलर भी खड़े कर दिए हैं दोस्तों। अब ये जो जीना बनाया जा रहा है ना उसके लिए अब शटरिंग लगाई जा रही है दोस्तों। तो चलो वो भी देख लो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों। शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन, और काफ़ी लंबी चौड़ी दोस्तों इसकी पार्किंग भी है। देखो जहाँ तक आप नज़र उठा कर देखोगे ना वहाँ तक इसकी पार्किंग है। और साइडों से देखो ये पिलर लगा दिए हैं जो दीवारें खड़ी होंगी उसके लिए दोस्तों। देखो सारे पिलर, जब मैं पिछली बार मैंने आप लोगों को दिखाया था तब फाउंडेशन बनाया जा रहा था ज़मीन खोद के। अब देखो सारे फाउंडेशन बना के सारे पिलर ऊपर को खड़े कर दिए हैं। अब ये शटरिंग लगाते जा रहे हैं, और शटरिंग लगा देने के बाद में फिर ये सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी, और सीढ़ियाँ बनाने के बाद में फिर तो आपको पता ही है क्या। और देखो टीन सेट का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो भी लगाने का अब काम चल रहा है इस पर शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। देखो आप लोग किस तरीके, क्योंकि इसको आगे और चौड़ा किया गया मतलब लंबा किया गया है ये तुम्हारी ब्रह्मापुरी साइड में। तो चलो उसे भी आप लोगों को दिखाएंगे चल को। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना लंबा चौड़ा एरिया है पार्किंग के लिए, जो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी दोस्तों। और यहाँ पर ये एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाया जा रहा है, देख सकते हो आप लोग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहो KP संत के चैनल पर। देख सकते हो दूसरी साइड का एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है दोस्तों, उसमें कम से कम 70% काम कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। अब उसकी सीढ़ियों के जो साइडों से स्ट्रक्चर है वो लगाने का काम किया जा रहा है। देख सकते हो इधर ये सेटरिंग लगा के इन्होंने इतना बढ़ाया, देखो वहां पर वो सेटरिंग लगी हुई है इतने, और इन्होंने फ्लोर वर्क किया जैसे इधर किया था ना, देखो ऐसे ही उधर फ्लोर वर्क हुआ है दोस्तों। और आगे आप लोग जैसे ही बढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर लंबा चौड़ा ट्रैक देखने के लिए मिलेगा। देखो ये मेरठ मेट्रो के लिए ये साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, और बीच वाला है दोस्तों नमो भारत यानी कि रैपिड रेल का बायोडक्ट पूरा है दोस्तों। तो देख सकते हो सारे गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है, अब इन पर फ्लोर वर्क किया जाएगा दोस्तों। और आप सभी को बता दूं देखो एक नया पिलर यहां पर बनाया गया है, नया पिलर बनाया गया, देख सकते हो किस तरीके से यहां पर ये नया पिलर बनाया गया देखो बीच में। और बाकी तो बायोडक्ट तो पूरा ही कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। वो आप लोगों को बता दूँ कि जब बेगम पुल ख़त्म करने के बाद में आगे जाकर दौरली साइड में वो EMS कॉलोनी की साइड में उधर अभी ट्रैक बिछाने के लिए बचा है लगाने के लिए दोस्तों। तो उसका भी आप लोगों को अपडेट मिलेगा देखने के लिए, लेकिन आप लोग बने रहो KP संत के साथ में दोस्तों। यहाँ पे आप सभी को ये डबल पिलर इसलिए देखने के लिए मिलेंगे कि बीच में फ्लाईओवर आ जाता है, तो राइट हैंड से ये दोस्तों बायोडक्ट निकल रहा है रैपिड रेल का, तो इसी वजह से यहाँ पर ये कर्व ले लेता है। डबल पिलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। चलते हैं अब ब्रह्मापुरी RRTS के स्टेशन, दिखाते हैं चल के दोस्तों।
अब देखो बीच में ये फ्लाईओवर आ जाता है दोस्तों, और ये मेट्रो का देखो ये बायोडक्ट आ जाता है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर पिलर का स्पेस कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलेगा। दोनों साइड देखो कितना लंबा चौड़ा स्पेस है, और ये आ जाता है ब्रह्मापुरी RRTS का स्टेशन दोस्तों। यहाँ पर भी गाटर लॉन्चिंग की गई थी साइडों से, इस पर भी फ्लोर वर्क किया जा रहा है दोस्तों, और इस पर भी मेरठ मेट्रो ही रुकेगी दोस्तों, RRTS ट्रेन नहीं रुकेगी। तो देख सकते हो सारे में ही इस पर आईगेटर द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं दोनों साइडों में दोस्तों, और इसके आप लोगों को बता दो एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा काम इसी पर ब्रह्मापुरी RRTS के स्टेशन पर कौन कौन लेवल पर भी काम चल रहा है तेजी के साथ, में प्लेटफॉर्म लेवल पर भी काम चल रहा है। देख सकते एक्सीलेटर ये रखे हुए हैं, एक साइड का एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है दोस्तों, कम्प्लीट हो चुका है, उसमें सेटिंग लगी हुई है दोस्तों, खोल रहे हैं, और राइट हैंड पे अभी एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जाएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट